नमस्कार दोस्तों, मैं नाम है देवेंद्र रेड्डी और पिछले वीडियो में हमने देखा था कि पाइथन को कैसे इंस्टॉल करते हैं, पाइथन यूज़ क्यों करते हैं। और हमने दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, एक जो पाइथन का सेटअप है और दूसरा एक IDE इंस्टॉल किया था जिसका नाम है PyCharm। आज हम बात करेंगे एक अलग कॉन्सेप्ट के बारे में, क्योंकि लास्ट टाइम हमने देख लिया था डेटा टाइप्स क्या होते हैं, इंट क्या होता है, फ्लोट क्या होता है। आज हम बात करेंगे स्ट्रिंग के बारे में। लेकिन स्ट्रिंग को चालू करने के पहले हम बात करेंगे एक कॉन्सेप्ट के बारे में जिसको हम बोलते हैं सीक्वेंस। नाउ सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास बहुत सारी चीज़ साथ में है तो उसको हम सीक्वेंस बोलते हैं। जैसे हो गया आपका नाम, तो आपके नाम में अगर मेरा नाम नवीन है यहाँ पे, तो वहाँ पे NAVIN, तो ये सब साथ में है तो इसको हम बोलेंगे सीक्वेंस। अगर आपके पास पांच नंबर साथ में है, आपके कॉलेज का कोई मार्क्स होगा तो आपके पास पांच सब्जेक्ट होंगे, पांच के अलग अलग मार्क्स होंगे, तो वो साथ में जब होगा तो उसको हम सीक्वेंस बोलेंगे। तो सीक्वेंस में जो पहला टाइप हमें यूज करना है यहाँ पे वो है स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग क्या होता है, चलिए सोचिए कि आपको आपका नाम स्टोर करना है। तो अगर मुझे मेरा नाम स्टोर करना होगा जो है नवीन यहाँ पे, तो नवीन स्टोर होगा स्ट्रिंग में। अगर कोई नंबर होता जैसे 5, 6, 7 तो हम इसको इंट में स्टोर कर देते। अगर कोई नंबर 5.5, 6.5 होता तो हम इसको फ्लोट में रखते। अगर नाम है यहाँ पे तो हम इसको रखेंगे स्ट्रिंग में। लेकिन कोड करने के पहले हम यहाँ पे कोई और सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। लास्ट टाइम हमने यूज किया था IDLE, जो पाइथन का डिफॉल्ट IDE अवेलेबल है। हम यूज करेंगे PyCharm। अब लास्ट वीडियो में हमने उसको देखा तो था इंस्टॉल कैसे करते हैं, लेकिन यूज कैसे करते हैं वो देखा नहीं था। तो यहाँ पे हम ओपन करेंगे PyCharm। तो आपके विंडोज पे प्रेस करके PyCharm सर्च कीजिए। नाउ ये आपका आ गया PyCharm यहाँ पे। जैसे ही PyCharm ओपन हो गया तो ऐसे कुछ ओपन होगा PyCharm, जहां पे आपको एक विंडो दिखेगा। नाउ आपके विंडो में ये दो ऑप्शंस वहां पे नहीं होंगे, बिकॉज मैंने ये प्रोजेक्ट पे पहले काम कर चुका हूं, तो इसलिए यहां पे दो प्रोजेक्ट आ रहे हैं। अगर ये PyCharm आप पहली बार यूज कर रहे हो तो आपको सीधा ये ऑप्शन आएगा जहां पे है क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। हम इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको पूछेगा प्रोजेक्ट का नाम क्या चाहिए, तो हम बोलेंगे यहाँ पे Python Tutes और फिर हमने क्लिक किया क्रिएट। अब ये आ चुका है आपका एनवायरमेंट जो लेफ्ट साइड में है। तो ये जो पोर्शन यहाँ पे है उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट एरिया, जहाँ पे आपका प्रोजेक्ट दिखेगा उसमें कितने फाइल्स है, क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन, सब कुछ यहाँ पे होगा। जो बीच का एरिया है, जो ग्रे पोर्शन है, वहाँ पे आप कोड लिखोगे। जैसे इसको मैंने एक्सपांड किया यहाँ पे प्रोजेक्ट को, यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास लाइब्रेरी का रूट है, बट यहाँ पे कहीं भी एक प्लेस नहीं है जहाँ पे आप कोड टाइप कर सके। अगर आपको कोड टाइप करना होगा यहाँ पे तो आपको यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करना है। ना कौन सा फाइल होगा वो होगा एक पाइथन फाइल। तो आपको न्यू पे क्लिक करना है और सर्च करना है पाइथन फाइल पे। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे टाइम भी हम इसका नाम दे देते हैं डेमो और डॉट करके py टाइप कर देते हैं। ना py का मतलब होता है पाइथन फाइल। जैसे मैंने इसको ओके किया, आपका यह फाइल बन चुका है। आपको जो भी कोड टाइप करना होगा आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। वही सब चीज़ें जो हमने IDLE में किया था आप सेम चीज़ यहाँ पे कर सकते हो। इसको टेस्ट करने के लिए हम कोई कॉम्प्लेक्स कोड नहीं लिखेंगे, सिंपल कोड लिखते हैं जहाँ पे हम लिखेंगे 2+3। अगर ये चल गया तो बाकी चीज़ें भी चल सकती है। रन कैसे करना है, अभी इसको रन करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा रन का और आपको क्लिक करना है रन पे। जैसे ही आपने रन पे क्लिक किया वो पूछेगा कि कौन सा फाइल रन करना है, बिकॉज हो सकता है कि आपके प्रोजेक्ट में 5-6 फाइल्स हो, आपको एक ही फाइल रन करना है। अभी जो डेमो है उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक हो जाएगा आपको यहाँ पे आउटपुट आना चाहिए था, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। जब भी आपको कोई आउटपुट देखना होता है इसमें, तो आपको उसको प्रिंट करना होता है एक्सप्लिसिटली, जैसे हमने देखा था लास्ट वीडियो में। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट और जो भी आपको करना था ऑपरेशन उसको लिखना है 2+3 में। तो जब आप प्रिंट लिखोगे तो ही उसका आउटपुट यहाँ पे आएगा। तो नॉर्मली आप कोई भी ऑपरेशन कर सकते हो, उसका अगर आउटपुट चाहिए आपको तो प्रिंट फंक्शन यूज करना होगा। इसको वापस रन करते हैं, यहाँ पे जाएंगे और क्लिक करेंगे रन डेमो। आप देख सकते हैं यहाँ पे आउटपुट आ चुका है। तो यस, अपना पहला आउटपुट यहाँ पे आ गया। अगर आपने कुछ चेंजेस किया यहाँ पे, जैसे मुझे यहाँ पे 3 नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे 6 चाहिए, तो ये टाइम पे आपको वापस रन करना है। आपके पास 3 चॉइस भी, आप यहाँ से भी रन कर सकते हो, आप उसको यहाँ से भी रन कर सकते हो, यहाँ पे एक छोटा आइकन है रन का, और आप सीधा प्रेस कर सकते हो Shift F10 अगर आप विंडोज यूज कर रहे हो। तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको आउटपुट आ गया जो है 8। बहुत सिंपल चीज है, राइट? तो ये हो गया आपका पाइथन फाइल जहां पे आपने कोड टाइप कर दिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं अपना स्ट्रिंग का। अगर मुझे यहाँ पे कोई स्ट्रिंग चाहिए, अब जो स्ट्रिंग होगा, जैसे मुझे मेरा नाम प्रिंट करना है, तो मैं बोलूंगा प्रिंट नवीन। तो मैंने प्रिंट कर रहा हूँ नवीन को और मैं कर देता हूँ यहाँ पे Shift F10, तो मुझे आउटपुट आ गया नवीन। ये जो चीज यहाँ पे है उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। नाउ स्ट्रिंग को यूज करने के पहले उसको हम वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं। तो मुझे अगर मुझे वेरिएबल यूज करना होता तो मैं बोलता था नेम इक्वल टू डबल कोट्स में नवीन।
आप यहाँ पे डबल कोट्स भी यूज कर सकते हो, सिंगल कोट भी यूज कर सकते हो, आपकी चॉइस है। और अंदर आने के बाद प्रिंट में आप लिख दीजिए नेम। यहाँ पे नवीन लिखने की जरूरत नहीं है बिकॉज नेम में नवीन तो है ही। इसको वापस रन करने के बाद आपका आउटपुट आ जाएगा नवीन। इट्स सो सिंपल। ये तो हमने देख लिया कैसे यूज करते हैं एक नॉर्मल वेरिएबल। अब ये सिस्टम में स्टोर कैसे होता होगा? ऑफकोर्स नवीन ही स्टोर होगा, लेकिन सिस्टम में यह स्टोर होगा सिक्वेंस वाइज में। नाउ सिक्वेंस का मतलब क्या होता है कि हर चीज अलग अलग स्टोर होगी। एन अलग स्टोर होगा, ए अलग स्टोर होगा, वी अलग स्टोर होगा, आई अलग स्टोर होगा और फिर एन अलग स्टोर होगा। ये सब चीजें अलग अलग है, तो आपको अगर इसको यूज भी करना है अलग अलग आप कर सकते हो। जैसे एग्जांपल, मुझे यहाँ पे सिर्फ कैपिटल एन चाहिए, बाकी सब नहीं चाहिए, तो आप बोल सकते हो हे पाइथन मुझे सिर्फ यहाँ पे पहला लेटर चाहिए। और पहले बोलने के लिए आपको यूज करना होगा स्क्वायर ब्रैकेट। नाउ ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर आपको मेंशन करना है कि आपको कौन सा एलिमेंट चाहिए। तो हर एक जो चीज यहाँ पे उसको हम बोलते हैं एलिमेंट। तो ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया, ये सेकंड एलिमेंट हो गया। तो अगर इसको मैं ड्रॉ करके दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे है नवीन, और ये नवीन में जो ये फर्स्ट एलिमेंट है वो हो गया जीरोथ पोजीशन, ये जो A है वो है 1 पोजीशन, ये जो V है वो है 2 पे, I जो है वो है 3 पे और N जो है वो 4 पे। नॉर्मली नंबर स्टार्ट 1 से होता है ना, यहाँ पे 0 से क्यों हुआ? बिकॉज हम लोग हमेशा नंबर यूज करते हैं जो स्टार्ट 1 से होता है, बट जब भी हम बात कंप्यूटर से करते हैं कंप्यूटर स्टार्ट हमेशा 0 से होता है, तो इसलिए यहाँ पे स्टार्ट 0 से किया है हमने। आप कोई भी सिस्टम को पढ़ लीजिए, डेसिमल सिस्टम होगा या बाइनरी सिस्टम होगा, तो वहां पे नंबरिंग स्टार्ट 0 से ही होता है हमेशा। तो यहाँ पे जो N है वो 0 लोकेशन पे है, तो आपको अगर N फेच करना है तो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा 0। इसको हम रन कर देते हैं और आउटपुट में आ गया सिर्फ n। अगर आपको a चाहिए होता तो 1 लिख दीजिए वहां पे और फिर इसको हम रन करेंगे और आप देख सकते हो कि आंसर आ गया a। अगर आपको यहां पे 4 टाइप किया तो आप गेस कर सकते हैं इसका आंसर आएगा स्मॉल n, जो n में है। तो ये एक ऑसम चीज है जो आप कर सकते हो यहां पे। अगर आपको पहले 3 डेटा प्रिंट करना है, मुझे n a v प्रिंट करना है, बाकी सब नहीं प्रिंट करना, तो आप वो भी कर सकते हो। या तो यहां पे आप बॉन्ड का यूज कर सकते हो। आपको स्टार्ट 0 से करना है और कहां तक जाना है आपको v तक, तो आपको मेंशन करना है यहां पे 3। लेकिन आप तो सोचोगे कि v तो 2 पे है, आप 3 क्यों टाइप कर रहे हो? क्योंकि स्टार्टिंग हमेशा 0 से होगा, आपने मेंशन 0 किया है तो वो इंक्लूड होगा, बट जो लास्ट एलिमेंट है वो इंक्लूड नहीं होगा। तो आपने अगर यहाँ पे 3 दिया है तो वो इंक्लूड नहीं होगा। तो इसको हम रन करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एन ए वी आ गया, सो लास्ट का जो आई है वो नहीं आया। जो भी यहाँ पे 3 है वो इंक्लूड नहीं होगा। अगर मैं यहाँ पे 1 लिखता तो क्या होता? तो स्टार्ट 1 से होता जो है ए और खत्म होता वो 2 पे जो है वी। हाँ, अगर मुझे यहाँ पे आई भी चाहिए होता तो मैं 4 लिखता ताकि वो खत्म 3 पे हो जाए। इसको रन कर देते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें आ गया ए वी आई। अगर मैं यहाँ पे लास्ट में कुछ वैल्यू ना दूं, सिर्फ मैं लिखता हूँ 1:, अब क्या होगा? ना क्योंकि हमने एंड मेंशन नहीं किया है तो वो टाइम पे वो जाएगा एंड तक, क्योंकि हमने मेंशन नहीं किया हमें 3 तक जाना है 4 तक जाना है, तो वो जाएगा एंड तक जहां तक भी एलिमेंट्स है। इसको रन करने के बाद आउटपुट देखिए ए वी आई एन आ गया। हम ये उल्टा भी कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ मेंशन कर दिया 3, स्टार्ट में कुछ मेंशन नहीं किया है तो वो स्टार्ट 0 से होगा क्योंकि हमने मेंशन नहीं किया हुआ है, तो स्टार्ट होगा 0 से और फिर वो n पिकअप करेगा, a पिकअप करेगा, v भी पिकअप करेगा, 3 पिकअप नहीं करेगा बिकॉज वो इंक्लूडेड नहीं होता। ठीक है, ये तो मज़ेदार चीज़ है। और एक चीज़ है, हमने तो यहाँ पे सब पॉजिटिव नंबर यूज़ किया और नंबर ख़त्म 4 पे हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे 6 देता तो क्या होता? क्योंकि 6 पे तो कोई एलिमेंट है ही नहीं वहाँ पे। अब ये पोजिशन पे अगर हम 6 दे के रन करें तो आ जाएगा एरर, ये बोलेगा कि वो है स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्योंकि इतना रेंज तो हमारा है ही नहीं ना, हमारा रेंज तो 4 तक है, तो हम 6th एलिमेंट कैसे एक्सेस करेंगे? तो वो आ जाएगा एरर, इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। ठीक है, ये तो समझ गए। व्हाट इफ नेगेटिव वैल्यू डाल दिया मैंने, तो व्हाट इफ मैंने -1 डाल दिया, अब क्या होगा? अब तो रेंज तो 0 to 4 तक है ना, तो नेगेटिव नंबर तो नहीं चलना चाहिए। देखते क्या होता है अगर इसको रन करने के बाद। तो रन करने के बाद हमें आ गया एन। ओ, ये कैसे आ गया? इसमें और एक सिस्टम है, अगर नेगेटिव वैल्यू रेंज होता है तो जैसे ही हमने यहाँ पे ले लिया 0, 1, 2, 3, 4, नेगेटिव रेंज भी होता है यहाँ पे, तो नेगेटिव रेंज जो है वो है -1 से एन से। सो ये जो उल्टा जाएगा तो ये -1 हो गया, ये अपना जो आई है वो -2 हो गया, वी जो है वो -3 हो गया, ए -4 और ये जो एन है वो -5 हो गया। तो जब पॉजिटिव में जाएंगे तो स्टार्ट टू एंड जाएगा, नेगेटिव वैल्यू एंड से स्टार्ट होगा। तो अगर मैं यहाँ पे -5 दे दूँ तो आपका गेस सही है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा n, कैपिटल n। तो आप ऐसे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तो आप नेगेटिव वैल्यू ले सकते हो, पॉजिटिव वैल्यू ले सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखना है, जैसे हमने वेरिएबल का यूज़ किया था, जैसे x=5 हो गया, नंबर्स जब डिस्कस किया था तो वो नंबर्स हम चेंज कर रहे थे, लेकिन जब स्ट्रिंग की बात आती है, जब ये नवीन की बात आती है, यहाँ पे स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग चेंज नहीं होता, इसलिए हमें एक यहाँ पे स्पेशल नाम इसको दिया गया है जिसको हम बोलते हैं इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब होता है कि चीज़ें चेंज नहीं हो सकती।
जो चीज म्यूटेबल होती है उसका हम बोलते हैं चेंज हो सकता है। अगर आपने कोई भी एक्समैन का मूवी देखा होगा तो उसका उनको हम बोलते हैं जो भी उसमें लोग होते थे जो चेंज होते थे उसका हम बोलते थे म्यूटेंट्स, क्योंकि वो चेंज होते हैं। हम जो इंसान होते हैं वो चेंज नहीं होते, तो उसको हम बोल सकते हैं इम्यूटेबल। इंसान चेंज होते हैं बट इमेजिन कीजिए अभी जो मैं बोलना चाहता हूँ। तो ये हमने देख लिया स्ट्रिंग के बारे में। जो नेक्स्ट सीक्वेंस हमें यूज करना है वो है लिस्ट। लिस्ट स्ट्रिंग की तरह ही होता है, डिफरेंस ये है कि स्ट्रिंग में हम सबको साथ में लिखते हैं जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ था। लिस्ट नॉर्मली होता है कोई दूसरे टाइप के साथ, जैसे नंबर्स हो गया या फिर स्ट्रिंग हो गया, बहुत सारे स्ट्रिंग होंगे। जैसे यहाँ पे तो एक ही स्ट्रिंग है ना, जैसे नवीन है, व्हाट इफ हमारे पास दो तीन नाम और है तो वो कैसे होगा? तो उसको हम स्टोर करेंगे लिस्ट के अंदर। अब लिस्ट कैसे होता है तो इसको हम निकाल देते टाइम भी नहीं। यहाँ पे जो भी हमने डिस्कस किया है स्ट्रिंग के बारे में, स्ट्रिंग को हम और डिटेल में देखेंगे बाद में। तो अभी तो हमने सिर्फ बेसिक देखा हुआ है उसका, उसके साथ क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, उसका लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे, वो सब देखेंगे बाद में एक सेपरेट वीडियो में। ये वीडियो में डिस्कस करना है सिर्फ सीक्वेंस के बारे में।